हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, आई वुड रिकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल्स। तो आज हम एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसका क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा क्लॉक होगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में। बैकग्राउंड में एक बहुत ही सुंदर इमेज है, ये हमारा एक्चुअल टाइम चल रहा है, इसके नीचे बड़ा प्यारा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल क्लॉक यूजिंग, और ये पाइथन का लोगो है ना गाइस। बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपना नोट एडिटर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे पाइचाम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी नोट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैकेजेस के बारे में बात करें जिनको हम आज यूज़ करने वाले हैं। उनमें से दो पैकेज जो है इनबिल्ट आते हैं पाइथन के साथ और दो पैकेज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए उन सबसे पहले हम उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोलना है और उसमें टाइप करना है pip3 इंस्टॉल। जो हमारा पहला पैकेज है उसका नाम है पिलो एंड जो हमारा सेकेंड पैकेज है pytz। और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो बारी बारी करके मैं इनको कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने अपनी pytz लाइब्रेरी को कॉल कर लिया। वेल, ये बेसिकली हमें इंडियन टाइम को अचीव करने में हेल्प करेगा। सेकेंड लाइब्रेरी हमने डेट टाइम को कॉल करा जो हमें करंट डे और टाइम देगा। वेल, इसके और भी काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। थर्ड लाइब्रेरी हमारी tkinter है जो हमें एक UI बनाने में हेल्प करेगा। फोर्थ लाइब्रेरी हमारी पिलो है जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग फंक्शंस को कॉल करा, जिसमें से पहला है इमेज tk एंड सेकंड है इमेज। वेल, ये दोनों ही हमें इमेज को डिस्प्ले कराने में हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने tkinter को कॉल करते हैं और एक बेहतरीन सा UI बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं tkinter को कॉल करूँगा। ये मैंने कॉल कर दिया एंड अब हम अपना कैनवस बनाएंगे। तो कैनवस के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं कैनवस को कॉल करूँगा, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पास करेंगे वो है रूट, सेकंड चीज़ हम पास करेंगे इसका विड्थ एंड थर्ड पैरामीटर जो हम पास करेंगे वो है हाइट। ओके, अब कैनवस को पैक कर देना है। पैकिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा विंडो साइज़ है वो फिक्स हो, ना यूज़र उसको बड़ा कर सके ना छोटा कर सके। तो उसके लिए आपको डॉट रिसाइजेबल को कॉल करना है और इसके अंदर दो अलग अलग पैरामीटर्स पास कर देना है 0.0। अब हमें अपने विंडो का टाइटल डिसाइड करना है तो उसके लिए डॉट टाइटल को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर एक प्यारा सा टेक्स्ट पास कर देंगे। अब हम अपनी इमेज को कॉल कर लेंगे। इसके लिए मैं अपने इमेज अंडरस्कोर ओपन के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके अंदर हम अपनी इमेज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने पिलो लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा था, और उसमें से हम ओपन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम अपनी इमेज का नाम को पास कर देंगे। वेल, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी में एक इमेज पड़ी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मेक श्योर करूँगा कि ये जो इमेज है वो बड़ी या छोटी ना दिखे, इसके लिए मैं रिसाइज को यूज़ करूँगा और जिसमें मैं पास कर दूंगा एक और पैरेंथेसिस और उसके अंदर हम जो अपने डायमेंशंस को पास कर देंगे जो है 1280x720। अब हम इमेज tk की हेल्प से बोलेंगे कि भाई ये हमारी इमेज है और इसे ओपन कर दो। तो उसके लिए मैं एक img के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और इमेज tk को कॉल कर दूंगा और उसका मैं एक फोटो इमेज के नाम से बहुत प्यारा सा फंक्शन है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ और उसके अंदर हम डाल देंगे अपना इमेज अंडरस्कोर ओपन, राइट। अब कैनवस को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने की इमेज को क्रिएट करा है, तो उसके लिए मैं कैनवस डॉट क्रिएट इमेज करूँगा और इसमें हम कुछ अलग अलग पैरामीटर्स को पास करेंगे जिसमें से पहला पैरामीटर तो यही है कि ये इमेज जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि हमारी टॉप लेफ्ट विच इज 0.0 एंड सेकेंड पैरामीटर है हमारा एंकर जो बेसिकली नन होने वाला है एंड जो थर्ड पैरामीटर है वो होगा हमारी एक्चुअल इमेज जो हमने img के नाम से स्टोर कर रखी है, राइट। वेल, दैट्स मोर देन इनफ टू डिस्प्ले आवर इमेज। अब मैं root.main लूप को कॉल कर लूंगा सो दैट मैं इसको रन करके दिखा सकूं आपको कि ये कितना परफेक्टली वर्क कर रहा नहीं कर रहा। वेल,
आप देख ही सकते हैं, मैं इस विंडो को रिसाइज नहीं कर सकता, किसी भी तरह का मेरे को एरो नहीं दिख रहा है रिसाइज करने के लिए, एंड इसको ना ही मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो ये हमारी इमेज जो है बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्लॉक, तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं एंड अपनी क्लॉक के लिए एक प्यारा सा यूआई बनाते हैं सबसे पहले, एंड उसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यूआई के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फ्रेम को कॉल करूंगा फ्रेम, और इसके अंदर हम चार अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे जिसमें से पहला होगा हमारा रूट, सेकेंड होगा विड्थ, और ये जो मैंने डायमेंशंस है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग फिगर आउट करे हैं। आप चाहें तो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। एंड हाइट और विड्थ पैरामीटर के बाद हमारा आखिरी पैरामीटर जो बसता हुआ है बैकग्राउंड कलर, विच इज़ बी जी, एंड अगेन इसका जो मैंने हैश कोड है अपने अकॉर्डिंग फिगर आउट करा है। अब मुझे ये बताना है कि यूआई की पोजिशन क्या है, तो उसके लिए मैं डॉट प्लेस को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को पास कर दूंगा। आफ्टर दिस अब हम अपने मेन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं और अपने टाइम को कैप्चर करते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्यारा सा फंक्शन बना रहा हूँ जो हमारे डे और टाइम को कैप्चर करेगा, जिसका नाम मैंने रखा है टाइम, और इसके अंदर सबसे पहले हम अपने इंडियन टाइम स्टैंडर्ड को कैप्चर करेंगे यूजिंग PYTZ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं PYTZ को कॉल करूँगा और इसमें से टाइम जोन को कॉल करेंगे, और इसमें हम अपना टाइम जोन को डिक्लेयर करेंगे विच इज़ एशिया/कोलकाता। उसके बाद हम अपने टाइम जोन को डेट टाइम लाइब्रेरी में कॉल करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक टाइम जोन के नाम से वेरिएबल बना लिया और डेट टाइम में इसको हम पास कर देंगे। नाउ अब हमारा जो भी टाइम और डेट आएगा वो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। आप अगर इसको यूटीसी के फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर किसी और टाइम जोन में चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ अब मुझे अपना करंट डे चाहिए, तो उसके लिए मैं डेट टाइम को कॉल करूंगा एंड टुडे को कॉल करूंगा इसमें से, देन हम पास कर देंगे STRF टाइम, ठीक है, और इसके अंदर हम पास करेंगे %A, तो ये हमारा करंट डे दे देगा। बट हमें इसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही कैरेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उसमें मैं आपको कॉल करूंगा 0:2। तो ये स्टार्टिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर देगा, और मुझे चाहिए कि ये कम्प्लीटली अपर केस हो, जिसके लिए मैं कॉल कर रहा हूँ डॉट अपर। वेल, अब हमें अपना एक्चुअल टाइम चाहिए, उससे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। नाउ अब मैं एक करेंट टाइम के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और इसके अंदर हम अगेन टाइम जोन को कॉल करेंगे और उसमें से स्टार्ट फ्रेम ले लेंगे। इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है एंड जो इसका पहला कैरेक्टर होगा वो आपके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। वेल, मैं यहाँ पे आई पास कर रहा हूँ, कैपिटल आई, क्योंकि मुझे जो अपनी क्लॉक है वह 12 आवर फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप 24 आवर के फॉर्मेट में चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ आई आप यहाँ पे एच को डिफाइन कर सकते हैं, बट फॉर मी आई इज परफेक्ट। नेक्स्ट अब हमें चाहिए, बट उससे पहले आपको कोलन भी डिफाइन करना है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, देन %M एंड अगेन कॉलन, एंड जो लास्ट हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा %S विद स्टैंड फॉर सेकेंड, एंड ये तीनों ही जो है कैपिटल है। अब हमें एक लेबल चाहिए जो हमारा टेक्स्ट होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लेबल को कॉल कर रहा हूँ और इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स पास करूँगा, जिसमें से पहला पैरामीटर होगा मेरा UI जो हमने यहाँ पे बनाया था, राइट, एंड सेकेंड पैरामीटर होने वाला है हमारा फॉन्ट, एंड इसके अंदर हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट नेम को डिफाइन करेंगे। तो जो मेरा फॉन्ट का नेम है वो है DS डिजिटल। वेल, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आएगा, वेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DS डिजिटल के नाम से एक zip का लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड आपके सामने ये चार अलग अलग फॉन्ट्स आ जाएंगे। आप किसी पे भी ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट। मैं इसको मिनिमाइज कर देता एंड बैक टू आवर कोड। ओके, सो यहाँ पे मैं DS डिजिटल को मैंने यहाँ पे कर दिया है डिफाइन, एंड नेक्स्ट थिंग मुझे ये बोल्ड में चाहिए। अगर आपको इसे बोल्ड में नहीं चाहिए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नाउ अब मुझे फॉन्ट वेट को डिक्लेयर करना है, यहाँ पे मैं 84 डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, वी हैव लेफ्ट अ पैरेंथेसिस एंड हेयर आल्सो, ओके डन। जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होने वाला है वो है बैकग्राउंड कलर विच इज़ BG, एंड काइंड ऑफ ब्लू होने वाला है,
तो यहाँ पे मैंने अपना बैकग्राउंड कलर को डिफाइन कर दिया। अब हमें फॉरग्राउंड कलर चाहिए जो हमारे एक्चुअल टेक्स्ट का कलर होगा, विच इज़ ब्लैक। ओके डन। अब हमें टेक्स्ट का प्लेस बताना है, तो उसके लिए टेक्स्ट डॉट प्लेस को मैं कॉल कर लूँगा एंड इसके अंदर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दूँगा। अब हमने जो ये टाइम नाम से फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हमें कन्फिग करना पड़ेगा टेक्स्ट को, टेक्स्ट डॉट कन्फिग, और इसके अंदर एक ही पैरामीटर पास करेंगे जो है हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर हम डे एंड करंट टाइम को डायनेमिकली कॉल कर लेंगे। पहला हमारा है डे, देन यहाँ पे एडिशन का साइन, देन अगेन एक डायनेमिक वैल्यू के लिए करंट अंडरस्कोर टाइम। ग्रेट। अब हमें इसको कॉल करना है हर एक सेकंड पे, राइट? तो उसके लिए टेक्स्ट डॉट आफ्टर के नाम से मैं कॉल करूंगा और ये सेल्फ कॉलिंग होता है। मैं यहाँ पे 1000 डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में टाइम डाल रहा हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फॉर श्योर आया होगा कि मैंने ये 1000 क्यों डिक्लेयर करा, कोई और वैल्यू क्यों नहीं डिक्लेयर करी? क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट मिली सेकेंड्स में काम करता है एंड 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है? अब हम एंड में टाइम को कॉल कर लेंगे, ये लीजिए, एंड इट्स डन। वेल, आपके सामने कोड बना है और पूरा प्रोग्राम 38 लाइंस ऑफ कोड में कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे वाइट स्पेसेस हैं, अगर उसको भी रिमूव कर दे तो विच इज़ अराउंड 30 लाइंस तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल ही जाएगा। तो लेट्स रन दिस एंड देखते हैं। ओके, सो वी हैव एनकाउंटर्ड एन एरर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ एफ जी यहाँ पे मैंने एफ बी लिख दिया था, which is not acceptable. Let's run this again and it's working. So guys, we have successfully created our beautiful looking clock. Hope आपको ये क्लॉक देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा एंड आई एम प्रेटी श्योर आप में से हर एक इंसान इस क्लॉक को बनाने वाला है। अगर yes, तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना और बताना कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा लगा आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा।